वो कहावत है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लाइनें जिस पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं चंद्रिका दीक्षित उर्फ वड़ापाव गर्ल, जो अपने बचपन में ही अपने माँ बाप से अलग हो गई थी, तब कैसे वह संभली और आगे बढ़ी, ये अपने आप में ही बहुत हिम्मत की बात है जो हमें उनसे सीखना चाहिए। चंद्रिका की मदर की डेथ जब वह बहुत छोटी थी तभी हो गई थी, जिसके बाद उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। कभी किसी रिलेटिव के घर तो कभी किसी के यहाँ अपना बसेरा ढूंढने में लगी। मात्र 5 साल की चंद्रिका को सहारा मिला अपनी नानी माँ का। जब चंद्रिका की नानी माँ को ये सब पता चला कि उनके साथ ये सब हो रहा है, तब वह चंद्रिका को अपने साथ ले आई। यहाँ तक कि उनकी नानी माँ ने उनके फादर से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया था कि आज से चंद्रिका उनकी खुद की बेटी है। चंद्रिका की पढ़ाई की पूरी जिम्मेवारी उनकी नानी ने ही उठाई थी, वह अपनी नानी के बहुत क्लोज थी। चंद्रिका को अपने माँ बाप के चेहरे तक याद नहीं थे। बहुत छोटी सी उम्र में माँ का हाथ उठ जाने के कारण उनकी नानी ही थी जो उनकी पूरी की पूरी दुनिया थी, लेकिन ये सारा भी उनका छूट गया उनके दुनिया से चले जाने के कारण। अपनी नानी माँ का जिंदगी से चले जाना चंद्रिका के लिए सिर्फ एक इमोशनल हार्ट ब्रेक नहीं था, बल्कि इस दर्द से वह फिजिकली भी लड़ रही थी, क्योंकि चंद्रिका को सांस से जुड़ी समस्या भी थी। कई दफा हॉस्पिटल में रहने के बाद यहाँ तक कि उनकी सर्जरी भी हुई थी। चाहे इमोशनल हो या फिजिकल ट्रॉमा, नानी माँ का दुनिया से चले जाना उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ। वह फिर एक बार दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो गई थी। अपने डॉक्टर्स की एडवाइस पर कि वह अगर जीना चाहती हैं तो अपना घर छोड़कर यहाँ से चली जाएं, जिसके बाद वह अपनी नानी का घर हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए वह अपने साथ गोल्ड की चेन लेकर आई थी, जो उन्हें उनकी नानी ने ही दी थी, जिसको उन्हें बेचना पड़ा था ताकि दिल्ली में सर्वाइव कर सके। दिल्ली में रहते हुए चंद्रिका ने कई तरह की जॉब्स करी। सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक काम पर रहने के बाद जब वह रात को घर आती थी, तब वह इतनी थक जाती थी कि वह रात को डिनर करे बिना ही सो जाती थी, क्योंकि थकान के कारण वह अपने लिए खाना भी नहीं बना पाती थी। इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए चंद्रिका ने रात को अपने लिए टिफिन सर्विस शुरू कराई, जिसे देने के लिए यश गेरा आते थे, जिनकी मदर का टिफिन सर्विस का बिजनेस था। यश और चंद्रिका की मुलाकात इसी तरह हुई थी, जिसके बाद ही दोनों ने शादी कर ली और आज उनका एक बेटा भी है रुद्र गेरा, जिसके लिए ही चंद्रिका खुद ये कहती है कि वह मेहनत कर रही है, अगर उन्हें कुछ हो गया तब उनके बेटे को वो सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने अपनी जिंदगी में फेस करा है। चंद्रिका के बेटे रुद्र जब मात्र 1 साल के थे तब उन्हें डेंगू हुआ था। उस दौरान चंद्रिका जॉब करती थी, साथ ही उनके हस्बैंड भी रैपिडो के लिए बाइक चलाते थे। जब उनके बेटे को डेंगू हुआ था तब डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि या तो जॉब कर लो या बेटा पाल लो। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिलेटिव से भी फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, तब हर किसी ने उनको मना कर दिया था। किसी ने भी उनको मात्र 2,000 रुपए तक भी नहीं दिए थे। तब दोनों ने ही, चंद्रिका और यश ने, फैसला करके अपनी अपनी जॉब छोड़ दी थी और शुरुआत करी थी वड़ा पाव सेल करने की। चंद्रिका को सोशल मीडिया पर पहचान तब मिली थी जब फूड ब्लॉगर्स उनके पास आना शुरू हुए थे। कस्टमर्स को वड़ा पाव सर्व करने के साथ साथ वह फूड ब्लॉगर्स की वीडियोस के लिए भी इंटरव्यू देती थी। धीरे धीरे से कई फूड ब्लॉगर्स के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने के कारण चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हो गई और स्टॉल पर कई लोग आने शुरू हो गए थे, जिससे कई बार बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी, जिससे बाकी स्टॉल वालों को कभी कभी परेशानी भी होती थी। सोशल मीडिया पर फेमस होना अगर एक तरफ आपकी पहचान ऑनलाइन बनाता है तो असल जिंदगी में कई सारी परेशानी भी लाकर खड़ी कर देता है। चंद्रिका के स्टॉल को कई बार जगह से हटाया जा चुका है और कई कंट्रोवर्सीज के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा चुका है, जिनका सीधे तौर पर उनसे कोई लेना देना भी नहीं होता है। हर इंसान अपने अपने कर्मों का खाता है। किसी की प्लेट में डालने वाला या प्लेट से हटाने वाला कोई इंसान नहीं होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।